हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के ऊपर। बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की, सर एक वीडियो कोविड-19 के ऊपर बनाइएगा ताकि हम लोग आने वाले जितने भी फ्यूचर के एग्जाम में उसमें किस तरीके से कोविड के ऊपर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हम लोग एक बार देख सके। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। एक बार समझ लेनी है भाई, आज का जो वीडियो है वो किन किन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, ऐसा कोई भी एग्जाम जो जुड़ा हुआ है सैनिटेशन से, ठीक है, ऐसा कोई भी एग्जाम जो जुड़ा हुआ है जिसमें साइंस का बायो का पार्ट पूछा जाता है, या फिर ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें ह्यूमन साइंस के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए आज का वीडियो जो है हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं jatinsinglajain@gmail.com। इसके अलावा इस वीडियो का और मेरी अन्य जो वीडियो है उन सबका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बालाजी एजुकेशन पॉइंट के ऊपर मिलेगा, ये उसका लिंक है। इसके अलावा उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा, जब भी आप उसे ज्वाइन करें तो ये ऑफिशियल लोगो जरूर देखिएगा, क्लियर। इसके अलावा मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है jatinsingla10103। चलिए शुरुआत करते हैं। नाउ फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न अबाउट द कोरोना वायरस दैट कि जिस कोविड-19 से आज पूरी दुनिया फाइट कर रही है ये एक्चुअल में बहुत पहले डिस्कवर हो चुका है, क्लियर। जो पहले डिस्कवर हुआ था कोरोना वायरस भाई और जो आज डिस्कवर हुआ कोरोना वायरस है उसमें फर्क है, लेकिन कोरोना वायरस जो है एक्चुअल में 2019 में नहीं आया, ठीक है। ये एक तरीके का जो 2019 में कोरोना वायरस प्यारे बच्चों आया है ये एक तरीके का नवल कोरोना वायरस है। नवल कोरोना वायरस यानी कि एक न्यू कोरोना वायरस है, इतिहास में जो पहले कोरोना वायरस मिले उससे अपडेट होकर आया अपने आप में, अपने आप में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो बनतर है, ठीक है, इसका जो इफेक्ट है प्रीवियस कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा डेडली है, ठीक है। ये सारी जो रिपोर्ट है हम लोग WHO की डिस्कस करेंगे। अब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व हेल्थ जो संस्था है उसका कहना है कि ए न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस, एक नए तरीके का कोरोना वायरस डिस्कवर्ड किया गया वुहान के चाइना के अंदर, चाइना देश के वुहान प्रांत के अंदर एक न्यू तरीके का नोवल कोरोना वायरस डिस्कवर किया गया। चाइना के वुहान मार्केट में, मीट मार्केट में माना जाता है कि सबसे पहले पेशेंट जीरो मिला था। नाउ व्हाट इज द पेशेंट जीरो, देखो कोई ना कोई तो पर्सन सबसे पहला ऐसा होगा जिसको माना जाएगा कि दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस हुआ था, उससे पूरा जो कोरोना वायरस है पूरी दुनिया में फैला, तो जिससे सबसे पहले कोरोना वायरस हुआ था उसे बोलते हैं पेशेंट जीरो। तो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि COVID-19/कोरोना वायरस का जो पेशेंट जीरो है वो सबसे पहले आज के कोरोना वायरस का कहां मिला, चाइना के वुहान मार्केट के मीट मार्केट के अंदर। नेक्स्ट लाइन में WHO कहता है द न्यू कोरोना वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियसली डिस्कवर्ड ह्यूमन कोरोना वायरसेस, ठीक है, कि जो आज का नया कोरोना वायरस डिस्कवर किया गया चाइना के वुहान में, जो इससे पहले एक कोरोना वायरस डिस्कवर किए गए थे उससे काफी अलग है और इसके ऊपर अभी भी रिसर्च और पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग जो है रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये उठता है कि सबसे पहले जो कोरोना वायरस था वो कौन से ईयर में आया था। अब मेरी बात ध्यान से समझिए जो मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले इतिहास में जो कोरोना वायरस था वो 1930 में डिस्कवर किया गया चिकन्स के अंदर, ठीक है, 1930 के अंदर डिस्कवर किया गया चिकन्स के अंदर। अगर पूछे ऐसा कोरोना वायरस जो सबसे पहले ह्यूमन के अंदर डिस्कवर किया गया, जिसको ह्यूमन कोरोना वायरसेस बोलते हैं, वो डिस्कवर किया गया प्यारे बच्चों 1960 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले कोरोना वायरस, जो सबसे पहली फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस आई वो 1930 में चिकन्स के अंदर पाई गई थी। उसके बाद जो कोरोना वायरस सबसे पहली बार ह्यूमंस के अंदर जो कोरोना वायरस मिला वो मिला 1960 के अंदर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है, क्लियर। अब वाई द कोरोना वायरस कॉल्ड द कोरोना वायरस, भी कोरोना वायरस को कोरोना वायरस क्यों बोला जाता है। अगर आप कोरोना वायरस को आप माइक्रोस्कोप की दृष्टि से देखें तो कोरोना वायरस की जो शेप है वो क्राउन लाइक शेप है, क्राउन जिसको हम हिंदी में ताज बोलते हैं,
क्लियर, इस तरीके से क्राउन लाइक शेप है और क्राउन के ऊपर स्पाइक्स लगे हुए हैं, क्राउन के ऊपर आपको स्पाइक्स लगे हुए मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज द शेप ऑफ क्राउन, ओके। तो क्राउन के ऊपर क्या लगे मिलेंगे आपको, स्पाइक्स, यानी कि ये डंडियां, ओके। तो इसलिए इसको कोरोना वायरस कहा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई द कोरोना वायरस इज कॉल्ड द कोरोना वायरस, बिकॉज इट्स अ शेप इज अ क्राउन लाइक शेप। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन क्या बन सकता है पहली स्लाइड से क्वेश्चन बनेगा, अ नोवल कोरोना वायरस। अगर नोवल है तभी वुहान के चाइना में है, लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार कोरोना वायरस कहां मिला था, तो वो 1930 में चिकन्स के अंदर मिला था। एम आई क्लियर, ओके। और ह्यूमंस के अंदर सबसे पहले कोरोना वायरस कब मिला था, 1960 के अंदर। नेक्स्ट, कोरोना वायरस डिजीजेस इज नेम्ड बाय, कोरोना वायरस को कोरोना वायरस डिजीजेस का नाम किसने दिया, तो ये दिया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिलेगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस को ग्लोबल एमरजेंसी कब डिक्लेयर किया, यानी कि विश्व स्तर पर ये एक तरीके का एमरजेंसी है, एक हेल्थ एमरजेंसी कब डिक्लेयर किया गया, तो प्यारे बच्चों ये डिक्लेयर किया गया 30 जनवरी को। अब क्वेश्चन क्या आ गया, सबसे पहले न्यू यानी कि नोवल कोरोना वायरस कब डिटेक्ट हुआ, तो ये हुआ चाइना के वुहान मीट मार्केट के अंदर 2019 में, लगभग नवंबर दिसंबर के अंदर, ओके। और इसको नाम किसने दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी कब डिक्लेयर करी, 30 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11th फरवरी 2020 अनाउंस अ ऑफिशियल नेम फॉर द डिजीज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 11 फरवरी 2020 को एक ऑफिशियल नेम डिक्लेयर किया That causing 2019 novel coronavirus outbreak, जिसकी वजह से 2019 novel coronavirus हुआ, तो WHO ने 11 फरवरी 2020 को जिस coronavirus का नाम रखा था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है COVID-19। अब देखो भाई, इसमें क्वेश्चन दो तरीके का है, मेरी बात जरा ध्यान से समझना। एक है वायरस जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, और वायरस की वजह से क्या हो रही है, डिजीजेस यानी कि बीमारी। अब मेरी बात सुन लो, ध्यान से सुनना बहुत, COVID-19 जो है ये डिजीजेस का नाम है, COVID-19 इज द नेम ऑफ द डिजीज, बीमारी का नाम है। यहां पर CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस, और D का मतलब है डिजीजेस, कोरोना वायरस डिजीजेस। और ये सबसे पहले डिस्कवर्ड हुई 2019 में, तो ये बन गया कोरोना वायरस डिजीजेस 2019। लेकिन जिस वायरस की वजह से COVID-19 हो रहा है, मैंने क्या बताया COVID-19 किसका नाम है, डिजीजेस का नाम है, बीमारी का नाम है, लेकिन जिस वायरस की वजह से COVID-19 हो रहा है उसे नाम दिया गया है 2019 nCoV। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2019 nCoV, क्लियर हो गया। अगर पूछे ऑफिशियल डिजीजेस का नाम WHO ने क्या रखा, तो वो रखा COVID-19, लेकिन COVID-19 जिस वायरस की वजह से हो रहा है उसका साइंटिफिक या ऑफिशियल नेम क्या है, तो प्यारे बच्चों वो है 2019 nCoV। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम, कोरोना वायरस को कोरोना वायरस का नाम क्यों दिया गया, आपको बताया ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, इसकी जो प्रोजेक्शन है, इसकी जो छवि है वो एक क्राउन लाइक की तरह है, क्लियर। ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ कोरोना वायरस गॉट देयर नेम, द वायरस रिजेंबल्स अ कोरोना व्हेन व्यूड अंडर अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि जब सबसे पहले इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप के अंदर इस वायरस को देखा गया तो इसकी जो प्रोजेक्शन थी वो ताज पे लगे हुए, यानी कि एक ताज पे लगे हुए स्पाइक की तरह थी, इसलिए इसको कोरोना वायरस का नाम दिया गया। प्यारे बच्चों क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये याद रखना कि ये जो कोरोना शब्द है ये लैटिन लैंग्वेज से आया है, लैटिन भाषा से आया है, ठीक है। कोरोना जो शब्द है ये लैटिन भाषा से आया है, लैटिन भाषा में कोरोना का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड हालो, और हालो का मतलब होता है क्राउन यानी कि ताज, क्लियर होगी बात। तो कोरोना जो शब्द है ये सबसे पहली बार किस भाषा से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से,
और लैटिन लैंग्वेज में कोरोना जो है हालो शब्द से जाना जाता है और हालो का मतलब होता है क्राउन। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द हिस्ट्री ऑफ कोरोना वायरस। ये वाली जो स्लाइड है भाई, एक क्वेश्चन 110% इससे बनता है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो कोरोना वायरस था वो 1930s में मिला चिकन्स के अंदर, यानी कि जानवरों के अंदर। लेकिन ह्यूमंस के अंदर जो कोरोना वायरस मिला वो सबसे पहले मिला 1960s के अंदर। टिल डेट अभी तक जो साइंटिस्ट हैं हैव आइडेंटिफाइड 6 कोरोना वायरसेस दैट कैन इन्फेक्ट पीपल। यानी कि 1960 से लेकर अभी तक 2020 तक जो साइंटिस्ट है ऐसे 6 कोरोना वायरस डिस्कवर कर चुके हैं जो ह्यूमंस को इफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इंसान के शरीर पर प्रभाव डाल सकते हैं। क्लियर होगी, 1960 से लेकर 2020 तक ऐसे 6 कोरोना वायरस डिस्कवर हो चुके हैं और उसमें जो सबसे डेडली है वो नोवल कोरोना वायरस है जिसको आप COVID-19 बोलते हो। क्लियर होगी बात। अब भाई ये कौन कौन से 6 कोरोना वायरस और हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं हिस्ट्री के अंदर, इनको दो कैटेगरी में रखा गया है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, इनको दो कैटेगरी में रखा गया है कोरोना वायरसेस को। कैटेगरी कौन कौन सी है देखिए, एक कैटेगरी है, देखिए इसे रखा गया है रिस्क के तौर पर कि ह्यूमन की जो हेल्थ है या लाइफ है उसको कितना रिस्क होता है। तो रिस्क के आधार पर 6 कोरोना वायरस को दो कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी आपको मिलेगी जिसमें हम बोलते हैं माइल्ड टू मॉडरेट। माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम, माइल्ड का मतलब होता है हल्का, हल्के से मध्यम तक की लाइफ का रिस्क। और दूसरी कैटेगरी होती है सीवियर। सीवियर का मतलब होता है जिसमें इंसान की जिंदगी को बहुत ज्यादा खतरा है। तो इन 6 कोरोना वायरसेस को दो कैटेगरी में बांटा गया है, वन इज कॉल्ड माइल्ड टू मॉडरेट प्यारे बच्चों, और एक बोला गया है सीवियर। जो 6 कोरोना वायरसेस अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं इससे पहले, उन 6 में से 4 कोरोना वायरस माइल्ड टू मॉडरेट में आते हैं, मतलब जिनकी वजह से बिल्कुल हल्का सा खतरा है, कोई ज्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन दो ऐसे हैं जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ को सीवियर खतरा है, बहुत ज्यादा डेथ का चांसेस हो जाता है। वो 4 कौन से हैं जो आते हैं हमारे पास माइल्ड टू मॉडरेट की कैटेगरी में, जैसे 229E अल्फा कोरोना वायरस, NL63 अल्फा कोरोना वायरस, OC43 बीटा कोरोना वायरस, HKU1 बीटा कोरोना वायरस। ये 4 कोरोना वायरसेस के नाम है। सबसे पहला जो कोरोना वायरस डिस्कवर्ड हुआ था वो हुआ था 229E अल्फा कोरोना वायरस। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझो, जो कोरोना वायरस है ना, इट्स नॉट अ सिंगल वायरस, इट्स ए फैमिली ऑफ वायरस। बहुत सारे वायरसेस मिलके जो है ह्यूमन बॉडी पे अटैक करते हैं। क्लियर है, ठीक है। अभी तक 6 डिस्कवर्ड हो चुके हैं, 6 में से 4 जो है माइल्ड टू मॉडरेट में रहेंगे, 2 जो है सीवियर कैटेगरी में रहेंगे। ठीक है, अब सीवियर वाले कौन से हैं जिसकी वजह से टू अदर ह्यूमन कोरोना वायरस दैट हैव बीन नोन फॉर द फ्रीक्वेंटली कॉज सीवियर सिम्टम्स, उनमें से एक है प्यारे बच्चों मर्क, MERC मर्क कोव, और दूसरा है सार्स। ये दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और अभी भी है, पहले ये इतिहास में डिस्कवर हो चुके हैं। मर्स जिसको हम लोग बोलते हैं मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, MERS मर्स, ठीक है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है जो आपकी ब्रेथ के ऊपर, श्वास प्रणाली, सांस लेने वाली प्रक्रिया पे इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सार्स COV। सार्स का मतलब है हमारे पास सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दोनों की एब्रीवेशन याद रखनी है, 6 में से 2 जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, एक है मर्स कोव और दूसरा है सार्स कोव। क्लियर, अब इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जी, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई, तो ये हुई 1960 के अंदर। 1930 ऑप्शन में नहीं है तो आप किसके साथ जाएंगे, 1960 के अंदर। प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे मर्स। अब देखिए मैंने आपको बताया कि 6 कोरोना वायरस आइडेंटिफाइड हो चुके हैं इससे पहले, 6 में से 4 जो है वो रखे गए माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी के अंदर और 2 जो रखे गए वो रखे गए सीवियर कैटेगरी के अंदर। क्लियर, ठीक है। अब हमें इन 4 को नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है 2 को, इन सिर्फ 2 को, जिसमें से एक है मर्स और एक है आपके पास सार्स। इनकी डिटेल देखनी है। सबसे पहले मर्स। मर्स का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, एब्रीवेशन पूछी जा सकती है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब इसे मिडल ईस्ट क्यों कहते हैं,
क्योंकि मर्स 2012 में सबसे पहले सऊदी अरेबिया नाम की कंट्री में पाया गया, क्लियर। और सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व देशों की एक कंट्री है, क्लियर। तो सबसे पहले मर्स को क्या बोलते हैं, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और ये 2012 में सऊदी अरेबिया में पाया गया, क्लियर। नेक्स्ट, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, मर्स के जो सिम्टम है वो है फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। हर दस में से 3 और 4 पेशेंट की मर्स की वजह से मौत होती है, जिनको मर्स होता है या जिनको मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है, ये इसका एक तरीके का डेथ रेट है, क्लियर होगी बात। तो इस पूरी स्लाइड से 4 चीजें, नंबर 1, मर्स की फुल फॉर्म क्या है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सबसे पहले कब डिस्कवर हुआ, 2012 में, क्लियर है। और इसके बाद इसका जो डेथ पेनल है वो क्या है, 10 में से हर 3 या 4 जो पेशेंट हैं जिनको मर्स होता है उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। इसके अलावा क्या याद रखेंगे, मर्स के सिम्टम क्या है, एक तो भाई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में दिक्कत, दूसरी है कफ यानी कि खांसी, और तीसरा है हाई फीवर। यही आपको आजकल के COVID-19 में भी मिलेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सांस, या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था 2003 के अंदर, कहां डिस्कवर्ड हुआ था, सबसे पहले ये डिस्कवर्ड हुआ साउथ चाइना का यानी कि दक्षिणी चाइना का एक प्रोविंस, एक प्रांत है जिसका नाम है गुआंगडोंग प्रोविंस। गुआंगडोंग प्रोविंस के अंदर सबसे पहले 2002 में इसको डिस्कवर किया गया और ऑफिशियली इसको सार्स का नाम दिया गया 2003 के अंदर। तो प्यारे बच्चों, सार्स की फुल फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सबसे पहले साउथ चाइना में 2002 में गुआंगडोंग प्रोविंस के अंदर ये मिला। 2003 तक आते आते ये लगभग 26 कंट्रीज के अंदर फैला, इंक्लूडिंग इंडिया, और लगभग 8000 लोगों की 2003 में इसकी वजह से मृत्यु हुई। और ये ट्रांसमिट मतलब फैलता था प्राइमरली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन फैलता था। इसके सिम्टम क्या थे, कुछ सिम्टम आपको COVID-19 की तरह से ही मिलेंगे, इंक्लूडिंग हाई फीवर, शिवरिंग का मतलब बहुत ज्यादा ठंड की वजह से बॉडी का कांपना, डायरिया यानी कि दस्त लगना, हेडेक, सिर दर्द होना, क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि ये जो COVID-19 की बीमारीज होती है, COVID-19 हुआ प्यारे बच्चों, मर्स हुआ या सार्स हुआ, इसमें कोई सिंगल सिम्टम नहीं शो होता, इसमें कोई पर्टिकुलर सिंगल सिम्टम शुरू नहीं होता, इसमें क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स आते हैं, क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, यानी कि मल्टीपल सिम्टम शो होते हैं, क्लियर होगी बात। चाहे COVID-19 है, चाहे मर्स है, और चाहे सार्स है, सबके अंदर क्लस्टर ऑफ सिम्टम मिलेंगे, ये याद रखना। नेक्स्ट, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, माइल्ड सिम्टम ऑफ नोवल कोरोना वायरसेस आर, निम्नलिखित में से नोवल कोरोना वायरस के कौन कौन से सिम्टम है, फीवर है, यस, कफ है, यस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, यस, तो आंसर आ गया ऑल ऑफ द अबव, क्लियर होगी बात जी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है या कोरोना वायरस की वजह से होती हैं, मर्स भी होती है और सार्स भी होती है, तो ऑप्शन आएगा सी, बोथ ए एंड बी। कोरोना वायरस में कॉज इलनेस फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू मोर अदर सीरियस डिजीजेस लाइक मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। बस आपको याद रखना है कि मर्स और सार दोनों ही कोरोना वायरस के वजह से होने वाली बीमारियां हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि ये फैलता कैसे है, ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिट होता कैसे है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये फैलता कैसे है, जो इसकी सबसे डेडली पॉइंट है। ह्यूमन कोरोना वायरस मोस्ट कॉमनली स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर इन्फेक्टेड पर्सन, अदर पर्सन यानी कि एक पेशेंट जिसे कोरोना वायरस हुआ है उस पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक ये फैलता है, ये इसकी ट्रांसमिशन की प्रक्रिया है। अब फैलेगा कैसे, नंबर 1, द एयर, हवा की वजह से, जब आप हवा में कफ यानी कि खांसते हैं, स्नीजिंग यानी कि छींकते हैं, तो उसका जो ड्रॉपलेट होता है, अब प्यारे बच्चों ड्रॉपलेट क्या होता है, ड्रॉपलेट होता है जो कोरोना वायरस को कैरी करता है, यानी कि आपका जैसे कोई थूक हो गया, कोई इन्फेक्टेड वाटर हो गया,
पानी हो गया, सलाइवा हो गया, जूठा पानी हो गया। अब जब आप एक पेशेंट का वो जूठा पानी या जो उसका सलाइवा है वो हवा में जाएगा तो उसके अंदर कोरोना वायरस होगा, और अब जब वो किसी एक हेल्दी पेशेंट के अंदर जाएगा तो उसे भी कोरोना वायरस हो जाएगा। तो वो हुआ ड्रॉपलेट जिसके अंदर कोरोना वायरस था। क्लियर। नंबर टू, क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट, आपके क्लोज कॉन्टैक्ट है सच एस आप किसी पेशेंट को टच करते हो, उसके साथ शेक हैंड करते हो, इसलिए इसमें बताया जाता है कि रेगुलरली हैंड वॉश बहुत ज्यादा जरूरी है, रेगुलरली सैनिटाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। टचिंग अ ऑब्जेक्ट और सरफेस विद द वायरस ऑन इट, देन टचिंग योर माउथ नोज आइस बिफोर वॉशिंग योर हैंड। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि किसी पेशेंट ने, कोरोना वायरस के पेशेंट ने किसी ऐसे सरफेस को टच किया हुआ है, मान लीजिए आपके घर का डेस्कटॉप है, आपके घर का टेबल है, गिलास है, बर्तन है, और किसी हेल्दी पेशेंट ने उसे टच कर लिया है, जिसकी वजह से पेशेंट से कोरोना वायरस हेल्दी पेशेंट के पास पहुंच गया। अब उस हेल्दी पेशेंट ने हाथ धोने से पहले उसे अपने आईज में, ठीक है, अपनी नोज में या माउथ में इंजेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से वायरस जो है उनके ब्लड कॉर्पस में पहुंच जाएगा, यानी कि रक्त कोशिकाओं में पहुंच जाएगा और आप भी पेशेंट हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा है रेयरली थ्रू फिकल कंटेमिनेशन। अब भाई प्यारे बच्चों, फिकल कंटेमिनेशन क्या होता है? बहुत कम कारण है कि फिकल कंटेमिनेशन की वजह से हो, लेकिन हाँ रीजन है। अब ह्यूमन जो है बहुत सारी चीजें अपनी बॉडी में लेता है, यानी कि खाता है, ठीक है, बहुत सारा ऐसा सॉलिड वेस्ट होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम खाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती। जब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, लेकिन उसके ऊपर वायरस तो चिपक जाता है क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर से आ रहा है, तो जब वो सॉलिड वेस्ट ह्यूमन की बॉडी से बाहर जाएगा, ठीक है, वेस्ट मटेरियल के रूप में, ठीक है, उस वेस्ट मटेरियल पे लगा हुआ वायरस जब किसी दूसरे पेशेंट के पास पहुंचता है उसको बोलते हैं फिकल कंटेमिनेशन, दैट इज नोन एज योर फिकल कंटेमिनेशन। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैज द WHO रिकमेंडेशन एज अ प्रिकॉशन मेजर। WHO ने क्या रिकमेंडेशन करी है एज ए प्रिकॉशन? उन्होंने रिकमेंडेशन करी है वॉश योर हैंड विद सोप और सैनिटाइजर विद हाई कंटेंट ऑफ अल्कोहल। अपने हाथ जो है साबुन से धोने हैं, या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें जिसमें अच्छी मात्रा में अल्कोहल हो। ऐसा सैनिटाइजर COVID-19 से लड़ सकता है जिसमें मिनिमम 60% अल्कोहल हो। प्लीज ये माइंड में रखना, ये क्वेश्चन बनता है, मिनिमम 60% अल्कोहल होनी चाहिए, तभी वो हमारा जो सैनिटाइजर है वो इंपैक्ट पाएगा COVID-19 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, द ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस इज मोर व्हेन द वेदर। ट्रांसमिशन ज्यादा होगा जब वेदर कोल्ड होगी, ठंडी होगी। रीजन क्या है जरा ध्यान से समझना। अभी मैंने आपको बताया था ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट क्या होता है? कैरियर, जो वायरस को कैरी करता है। एग्जांपल के तौर पर किसी बंजे पर्सन ने जो है स्नीक किया, यानी कि छींक मारी, तो उसके नाक से एक ड्रॉपलेट निकला वाटर की फॉर्म में, सलाइवा की फॉर्म में, ठीक है, एक ड्रॉपलेट निकला। अगर गर्मी ज्यादा रहेगी तो वो सलाइवा या वो जो लिक्विड फॉर्म है वो जल्द से जल्द सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वेदर कोल्ड हुई तो वो ज्यादा देर तक किसी ना किसी चीज के सरफेस पे जिंदा रहेगा, ठंड में ज्यादा से ज्यादा सरफेस के ऊपर जिंदा रहेगा। तो इसकी वजह से कहा जाता है कि जो वायरस है वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है अगर वेदर क्या है, कोल्ड यानी कि ठंडी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, ऐसे पर्सन जिनमें कोई डिजीजेस का साइन नहीं होता, पीपल हु शो नो साइन ऑफ गिवन डिजीजेस, ऐसे लोग जिनमें कोविड 19 का कोई साइन नहीं मिलता उन लोगों को बोला जाता है एसिम्प्टोमेटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसिम्प्टोमेटिक पर्सन आर दोस पर्सन जिनमें गिवन डिजीजेस का कोई साइन नहीं है, दे आर नोन एज एसिम्प्टोमेटिक। ओके, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ऐसी डिजीजेस को क्या बोलते हैं जो ट्रांसमिट होती है ह्यूमंस टू एनिमल्स, इंसान से जानवरों तक ट्रांसमिशन जो होती है, इस डिजीजेस को बोलते हैं हम लोग जूनोटिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जूनोटिक, अ डिजीज इज दैट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल नोन एज जूनोटिक। ओके, नेक्स्ट। ओके, थाईलैंड ने अनाउंस किया है कि दैट इट हैज प्रोसीड टू टेस्ट इट्स नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन विच एनिमल। थाईलैंड ने हाल ही में दावा किया था कि वो बहुत नजदीक है कोविड 19 की वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण, उसकी दवाई बनाने के।
तो उन्होंने अपनी जो कोविड 19 की वैक्सीनेशन है वो किस एनिमल पे टेस्ट किया, तो वो टेस्ट किया है प्यारे बच्चों उन्होंने मंकीज के ऊपर। अब थाईलैंड में नहीं क्यों चुना, देखिएगा चाइना के बाहर, चाइना के बाहर सबसे पहला जो कोविड 19 का केस आया था, देखो कोविड 19 कहां से शुरू हुआ, चाइना के वुहान में, चाइना के बाहर जो सबसे पहला केस आया था वो थाईलैंड में आया था, याद रखने वाली है। फर्स्ट केस आउटसाइड द चाइना, दैट इज थाईलैंड। फर्स्ट केस इन इंडिया, भारत में सबसे पहला केस कब आया, तो भारत में सबसे पहला केस आया 30 जनवरी 2020 को, ये आया था केरला राज्य के थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, केरला राज्य के थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इवन कि आपको ये याद रखना है कि भारत के अंदर कोविड 19 के जो पहले तीन केस थे वो तीनों के तीनों केरला से थे। तो क्वेश्चन, चाइना के बाहर सबसे पहला जो कोविड 19 का केस आया थाईलैंड में, इंडिया में सबसे पहले कोविड 19 का केस कब आया 30 जनवरी 2020 को केरला के थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट में, पहले तीनों केस कहां से थे, केरला से थे। ओके, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा तौर पे ये याद रख सकते हैं, भारत का पहला स्टेट, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने कर्फ्यू इंप्लीमेंट किया ड्यू टू कोविड 19 की वजह से कर्फ्यू लगाया, वो था पंजाब। और फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने कोविड 19 की वजह से कंप्लीट लॉकडाउन लगाया, वो कर्फ्यू था, ये लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य था राजस्थान, याद रहे ये बात, कौन सा था, दैट इज योर राजस्थान, याद रखे। तो पहला राज्य जिसने कोविड 19 की वजह से कर्फ्यू लगाया पंजाब, लॉकडाउन लगाया दैट इज योर राजस्थान। क्लियर होगी प्यारे बच्चों ये बात, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू WHO, व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट कोरोना वायरस कंफर्म्ड केस वाज फाउंड आउटसाइड द चाइना, अकॉर्डिंग टू WHO, चाइना के बाहर सबसे पहला केस कब मिला, थाईलैंड के अंदर मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज जनता कर्फ्यू वाज हेल्ड इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था, 22 मार्च 2020 को, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द मोस्ट अर्जेंट प्रिकॉशन टू फॉलो द ड्यूरिंग लॉकडाउन ड्यू टू कोविड 19, कोविड 19 की वजह से लगाए गए लॉकडाउन में सबसे बड़ा प्रिकॉशन क्या है, तो वो प्रिकॉशन है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि सामाजिक दूरी, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में मिनिमम 1 से 2 मीटर तक की जो है दूरी होनी चाहिए, दैट इज नोन एज सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, क्लियर जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वट आर द मेडिकल मास्क कॉल्ड, कोविड 19 की वजह से जो सबसे बढ़िया मास्क माना गया है वो है N95 रेस्पिरेटर्स, क्लियर। कई लोग इसको सही भी नहीं मानते, लेकिन जो गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब किया वो N95 है, क्लियर। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार सुना होगा क्वारंटाइन, ठीक है, द वर्ड क्वारंटाइन कम्स फ्रॉम, जो शब्द है क्वारंटाइन शब्द, ये कहां से आया, सबसे पहले याद रखिए एक हमारे पास कंट्री है जिसका नाम है इटली, ठीक है, देयर इज ए कंट्री कॉल्ड इटली, इटली में एक, इटली की भाषा में एक शब्द इस्तेमाल होता है, वी कॉल देम द, दैट इज कॉल्ड देम द क्वारंटा, क्वारंटा QUARNTA, क्वारंटा का मतलब होता है नंबर 40, क्वारंटा का मतलब क्या होता है नंबर 40, उसी क्वारंटा से बना है क्वारंटाइन, तो जो वर्ड क्वारंटा है इसका मतलब क्या है द नंबर 40, ये इटली के क्वारंटा शब्द से बना है जिसका मतलब होता है नंबर 40। नेक्स्ट, इंडिया के इस समय हेल्थ मिनिस्टर कौन है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुखिया है डॉक्टर हर्षवर्धन, ये याद रखिएगा। और अगर पूछे WHO के हेड यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है टेड्रोस एडमन, और ये इथोपिया कंट्री के रहने वाले हैं, इथोपियन है याद रखिएगा, ठीक है, इथोपियन है। हाल ही में जो है USA ने WHO से अपनी सदस्यता को रद्द करवाया, यानी कि बाहर निकाल लिया है, क्लियर। नेक्स्ट, ओके, एक क्वेश्चन क्या याद रखना है, भारत का पहला स्टेट, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, सारा करंट अफेयर इंक्लूड कर दिया हमने, भारत का पहला राज्य जो कोरोना फ्री घोषित किया गया वो था गोवा, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिकम द कोरोना फ्री। दूसरा जो भारत का राज्य कोरोना वायरस फ्री घोषित किया गया था वो था मणिपुर, फर्स्ट वाज गोवा, सेकंड वाज मणिपुर, कीप इन माइंड, क्लियर। नेक्स्ट,
नाउ व्हाट इज द प्लाज्मा थेरेपी? अभी तक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो सबसे बढ़िया थेरेपी मिली है दैट्स कॉल्ड प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी होती क्या एंड हाउ इट वर्क्स? सबसे पहले कोविड 19 का पेशेंट आता है रेड कलर में, वो रिकवर्ड होता है। रिकवर्ड होने के बाद उसके प्लाज्मा में, अब प्लाज्मा क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसका जो 55% हिस्सा होता है वो एक लिक्विड मटेरियल से बना होता है। 55% हिस्सा ब्लड का एक लिक्विड मटेरियल से बना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। जो लोग, जिन लोगों की बॉडी कोविड 19 से रिकवर कर जाती है उनके प्लाज्मा में एक खास तरीके के अंश पाए जाते हैं, दे आर नोन एज एंटीबॉडीज। उनके प्लाज्मा के अंदर एक खास तरीके के अंश पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं एंटीबॉडीज। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट ठीक हो जाएंगे उन्हीं के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज मिलेंगे। तो एक पेशेंट की बॉडी से एंटीबॉडीज निकाल कर, ब्लड से एंटीबॉडीज निकाल कर दूसरा जो कोविड 19 का पेशेंट है उनके ब्लड में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कोरोना वायरस बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और दिस थेरेपी इज नोन एज द प्लाज्मा थेरेपी। फिर से सुनिए, एक कोविड 19 का पेशेंट है, जब वो रिकवर करता है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। क्लियर? प्लाज्मा क्या है, ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड है उसका लगभग 55% हिस्सा एक लिक्विड मटेरियल से बना है, जिसे हम लोग प्लाज्मोडियम या प्लाज्मा कहते हैं। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखिए, यहां से समझ आएगा, ब्लड ट्रांसप्लेशन स्पेल्स होप। यहां पर देखिए, ब्लड का जो 55% हिस्सा है उसे ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, जो पीछे 45% हिस्सा बचता है, जो लिक्विड नहीं है थोड़ा सा सॉलिड है, उसे बोलते हैं ब्लड कॉर्पस। इसी 55% हिस्सा में पाई जाती है एंटीबॉडीज, और इन्हीं एंटीबॉडीज को निकाल कर हम लोग एक पेशेंट के ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज प्लाज्मा थेरेपी। भारत का पहला राज्य जिन्होंने, जो हमारे पेशेंट कोविड 19 के पेशेंट रिकवर हो गए, ठीक है, भारत की कोविड 19 की वजह से जो रिकवरी है वो लगभग 70% है, यानी कि 10 में से हर 7 पेशेंट जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, उनकी 70% रिकवरी है। भारत का पहला राज्य जिन्होंने रिकवर किए गए कोविड 19 की पेशेंट के ब्लड से प्लाज्मा निकाला, एंटीबॉडीज निकाली और उन्हें एक जगह इकट्ठा किया, और उसको बोलते हैं प्लाज्मा बैंक, और भारत का पहला राज्य था वो, यानी कि दिल्ली। दिल्ली क्लियर हो गए, और दिल्ली के सीएम यहां पर आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल। क्लियर? और इंडिया का जो पहला प्लाज्मा बैंक था वो दिल्ली में बना था, और दिल्ली में कहां बना था, द इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलरेरी साइंस इन दिल्ली, ILIBS के अंदर दिल्ली में। क्लियर? नेक्स्ट। ओके, रशिया ने भाई दावा किया हाल ही में कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है, दुनिया की सबसे पहली कोविड 19 की वैक्सीन बनाई है। इसको WHO निग्लेक्ट कर चुका है, इंडियन गवर्नमेंट इसको काफी हद तक निग्लेक्ट कर चुकी है, फिर भी करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, और उस वैक्सीन का नाम है स्पुटनिक वी, या इसको स्पुटनिक 5 भी बोलते हैं। क्लियर? बल्कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपने ट्विटर पे ये वीडियो शेयर करी कि इसका जो सबसे पहला इंजेक्शन है उन्होंने अपनी डॉटर को दिया। ठीक है, तो पहला कंट्री जो माना जा रहा है जिसने वैक्सीनेशन डेवलप करी वो रशिया था, स्पुटनिक वी। ओके, दो क्वेश्चन देके जा रहा हूं भाई, जो आपको खुद करने हैं और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज आर, ठीक है, जो रूट है, जड़ है ट्रांसमिशन के कोरोना वायरस की, क्या है, क्या वो ब्लड बॉर्न है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, या इनमें से सभी है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है, फॉर द कोरोना इन्फेक्शन कौन से सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं? एक तरीके से जब आप किसी को लगता है कि जी मुझे कोरोना वायरस हो गया तो वो टेस्ट करवाने जाता है, टेस्ट करवाते वक्त एक खास तरीके का सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल का नाम क्या है, सीरम या ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, या फिर जिसको बोलते हैं CSF टेस्ट। इन दोनों आंसर को, क्वेश्चनों के आंसर को आप नेट पे रिसर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।